हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे LIC क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसको कि IDBI बैंक इशू करता है, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि LIC और IDBI बैंक ने पार्टनरशिप कर रखी है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो अभी के टाइम में LIC के दो तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनको कि IDBI बैंक इशू कर रहा है, और ये दोनों क्रेडिट कार्ड IDBI बैंक के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कहलाएंगे। इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के आप लोगों को मैं नाम बता देता हूँ। तो एक है इक्लिट क्रेडिट कार्ड, जो कि हाई वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, और दूसरा इससे लो वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, जिसको कि ल्यूमिन क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स रुपे नेटवर्क के साथ में आते हैं। इस वीडियो में तो बहरहाल एक ही क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है, और जो दूसरा क्रेडिट कार्ड होगा उसके लिए दूसरा वीडियो भी होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ल्यूमिन क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, और बाकी जो इसके फीस और चार्जेस हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ जल्दी से आते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो आपको हर 100 रुपये स्पेंड होने पर इस क्रेडिट कार्ड से 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम है, मतलब जो रिवॉर्ड पॉइंट है इनका, उसको डिलाइट पॉइंट्स कहते हैं। तो एक डिलाइट पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर की होती है, 25 पैसे के बराबर की एक डिलाइट पॉइंट की वैल्यू होती है। और आपको ये सभी तरह के ट्रांजेक्शन पे, जैसे कि ट्रैवल या फिर शॉपिंग या फिर डाइनिंग या फिर मूवीज़, सब पे जो है आपको इसी तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के 60 डेज़ के अंदर, 60 दिनों के अंदर 10,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो आपको 1,000 डिलाइट पॉइंट्स मिल जाते हैं। वेलकम गिफ्ट के तौर पे आपको 1,000 डिलाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे 60 दिन में, अगर आप जो है 10,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 48 डेज़ का, मतलब कि 48 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, जिसमें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपसे किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 400 से लेकर के 4,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे, मतलब कि मिनिमम 400 और मैक्सिमम 4,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, मतलब कि 1% रिफंड हो जाएगा जो सरचार्ज होता है, और मैक्सिमम आपको महीने में 300 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि 300 रुपये से ज़्यादा का आप जो है बेनिफिट या फिर सरचार्ज का जो वेवर है वो नहीं ले सकते हैं महीने भर में, बस आपको 300 तक का मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि 2,00,000 रुपये तक का होता है, और आपको क्रेडिट शील्ड कवर भी मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड की जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड है, आप इंडिया के अलावा बाहर देशों में भी जो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड आता है 0 लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ में, मतलब कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम होता है या फिर चोरी होता है और आप 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देते हैं बैंक को, और उस क्रेडिट कार्ड से उसके बाद कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होता है तो फिर आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो सब बैंक रिकवर करेगा। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको एडन कार्ड भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर में किसी को एडन कार्ड दिला सकते हैं, जो कि एक आपको एडन कार्ड मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, ना तो इस पर कोई ज्वाइनिंग फ़ी है और ना तो कोई इस पर एनुअल फ़ी है। और इसी तरह से इसके साथ में अगर आप एडन कार्ड लेंगे तो उस पर भी ना तो कोई ज्वाइनिंग फ़ी होगी ना तो एनुअल फ़ी होगी। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो 3.4% पर मंथ, मतलब कि 3.4% आपको जो है पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे देना होगा, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ किया हुआ है तो पैसे निकाले हुए हैं तो। इसके अलावा कैश एडवांस फी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो 2.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब कि जितना आपने पैसा निकाला है उसी के 2.5% आपसे फी ली जाएगी, जिसमें कि मिनिमम आपको 500 रुपये देने ही होंगे। लेट पेमेंट चार्जेस 400 रुपये से लेकर के 950 रुपये तक हो सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि लेट पेमेंट चार्जेस कितने अमाउंट DU पे कितना लिया जाता है। ओवर लिमिट चार्जेस, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंडिंग करते हैं, मतलब कि जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा आप स्पेंडिंग करते हैं तो आपको ओवर लिमिट चार्ज देना होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब कि जितना आपने जो ओवर लिमिट स्पेंड किया है उसी के 2.5% आपको चार्ज देना होगा, जिसमें आपको मिनिमम 500 रुपये तो चार्ज देना ही देना है। आपका चेक रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट रिवर्स होता है या फिर जो फेल होता है तो उस पर आपको जो 500 रुपये का चार्ज लग जाएगा, एक तरह की फ़ाइन होती है पेनल्टी, तो वो जो आपको देना होगा। और वहीं पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जा करके ब्रांच में आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा। इससे बेहतर है कि आप खुद ही ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर लें, उस पर कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हैं 3 महीने से पुराना तो उस पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा।
कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी 200 रुपये है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराएंगे तो उसका 200 रुपये आपको चार्ज देना होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी यहाँ पे जो है 3.5% आपसे ली जाती है, जितना भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसी के 3.5%। और आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो उस पर भी आपको रिडीमशन के लिए चार्ज देना होगा, जो कि 99 रुपीज़ होते हैं। EMI कराते हैं तो EMI पे आपको जो है 13% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होता है, और फोर क्लोज कराने पे कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं आपसे लिया जाता है। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को फोर क्लोज कराते हैं, बंद कराते हैं, तो फिर तो आपसे जो है 999 रुपीज़ का चार्ज लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई फ़ायदा ही नहीं इसको बंद कराने का, क्योंकि ये जो है बिल्कुल फ्री होता है, इस पर कोई एनुअल फ़ी वगैरह नहीं होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको तगड़ा झटका लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग याद रखिए कि जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं उन पर GST अलग से इंक्लूड किया जाता है, ये ज़रूर से याद रखिएगा। इससे पहले भी मैंने एक LIC क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बनाया है, जो कि एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप के साथ में LIC का कार्ड है, तो वहाँ पे मैंने चार्जेस बताए, बट ये मैंने नहीं बताया कि इस पर GST अलग से इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, बल्कि सारे वीडियोज़ में बताता हूँ, तो शायद कि आप लोग इस बात को जानते ही होंगे पहले से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन तो नहीं किया है, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो माइनर्स को क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो एज जो होनी चाहिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल हो सकती है। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है, तो जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको मिल सकता है, या फिर जो LIC के एजेंट हैं, या फिर जो LIC के एम्प्लॉयज़ जो स्टाफ हैं जो LIC के साथ में काम करते हैं उनको मिल सकता है। तो जो LIC से रिलेटेड पर्सन है उनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मिल सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल जाएगा 100%। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको कॉल करना होगा, आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रांच विज़िट करना होगा, या फिर आप डायरेक्टली जो है IDBI बैंक की ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ से आप जो अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे। अपने सारे KYC डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएंगे आप, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, और अगर आप जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं, जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी लेकर जाने होंगे। और इसी तरह से अगर कोई LIC के एजेंट हैं तो उनके लिए भी सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स, और जब एजेंट है तो उनको कोई LIC की तरफ से आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा तो वो लेकर जाना होगा। और बाकी जो LIC के साथ में काम करते हैं, जैसे कि LIC के स्टाफ वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो उनको तो इजीली मिल ही जाएगा, वो लोग तो जानते भी होंगे कि कैसे उनको क्रेडिट कार्ड मिलना है। तो सबसे पहले तो आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, और जो भी आपसे वो डिटेल्स ले, इन्फॉर्मेशन ले, वो आपको बताना है, और वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को यही जानकारी देनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।